गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज अवर हिंदी बुक, हिंदी ग्रामर बुक नवतरंग, हिंदी व्याकरण कक्षा 3 के लिए। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मुहावरे। मुहावरे को इंग्लिश में बोलते हैं idioms, और ये है हमारा पार्ट 13, 13 चैप्टर पे हम हैं। और मुहावरे क्या होते हैं? भाषा में विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले कथन को मुहावरा कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि भाषा में जो एक अलग सा अर्थ दे, ठीक है ना, एक स्पेशल मीनिंग दे ऐसे वाक्यों को या ऐसे कहे हुए कथनों को हम क्या कहते हैं? मुहावरा। तो लास्ट क्लास में हमने 7th तक डिस्कस किए थे। मैंने आपको बोला था 7th तक आपको अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं, है ना। तो आज हम चलेंगे इससे आगे और देखते हैं, करना स्टार्ट करेंगे 8th से। आनाकानी करना, क्या है आनाकानी करना? और इसका मतलब क्या हुआ? बहाने बनाना। आनाकानी करना, बहाने बनाना। अक्षय ने जब राम से अपनी पुस्तक मांगी तो वह आनाकानी करने लगा, यानी कि नाटक करने लगा। आनाकानी करना क्या हो जाएगा? बहाने बनाना। जैसे किसी दिन आपने स्कूल का काम पूरा नहीं किया होता तो आप क्या करते हो? स्कूल जाने में आनाकानी करते हो ना, बहाने बनाते हो, भाई आज तो मेरे पेट में दर्द हो गया या मेरे सिर में दर्द हो गया, है ना। तो वही क्या होता है? आनाकानी करना। आगे देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब हुआ? मतलब निकालना, मतलब निकालना मतलब अपना फायदा पूरा कर लेना, ठीक है ना, दूसरे का इस्तेमाल करना। अपना उल्लू सीधा करने वाले लोगों से मित्रता करना उचित नहीं। क्या मतलब हुआ इस वाक्य का? कि जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, यानी कि जो मतलबी लोग होते हैं, उनसे हमें थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, उनसे हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब उनका काम खत्म होगा तो वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, है ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा इसका? अपना उल्लू सीधा करने वाले लोगों से मित्रता करना उचित नहीं। और क्या था मुहावरा? अपना उल्लू सीधा करना, और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब निकालना। आगे देखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट का मुंह कितना होता है? बहुत बड़ा, है ना, और जीरा कितना होता है? छोटा सा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना, मतलब जितनी जरूरत हो उतना ना मिल पाना। ऊंट के मुंह में जीरा आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता से बहुत कम मतलब जितनी जरूरत हो उससे बहुत थोड़ा सा ही मिले। जैसे कि मान लो आपके घर में आइसक्रीम बॉक्स आता है, ठीक है ना, एक आइसक्रीम का डब्बा आया और सब घर में बहुत सारे लोग हैं तो सबके बीच में डिवाइड होगी। तो डब्बा तो बहुत था, आपका मन तो था कि मैं सारी अकेले ही खा जाऊं, पर जब मिली तो सिर्फ एक कटोरी मिली, है ना। तो आपके मन में क्या बात आई? ऊंट के मुंह में जीरा वाली, कि आपको खाना तो था बहुत सारा और आपको मिला बहुत थोड़ा सा। तो ऊंट के मुंह में जीरा क्या मतलब हुआ? आवश्यकता से बहुत कम। देखो, जब हम कोई चीज याद करते हैं ना तो उसको अपने मन में सोच के देखो। देखो अब ऊंट तो सबने देखा है, ऊंट कितना बड़ा होता है ना, और जीरा, जीरा तो जो हमारी सब्जी में जिस चीज से हम छोंक लगाते हैं उसे हम जीरा बोलते हैं, सबने देखा है जीरा भी, है ना। जीरा इतना छोटा सा है। अगर हम ये कहें कि ऊंट को अपना पेट जीरे से भरना है तो क्या उसका पेट भरेगा कभी तक? कभी नहीं भरेगा, है ना। तो इसका मतलब उसको जितने की जरूरत थी उसे उससे बहुत थोड़ा मिला। तो अब याद करने में आसानी रहेगी, आवश्यकता से बहुत कम। भीम के लिए एक लड्डू ऐसा था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। क्लियर है, आगे चलते हैं। ईद का चांद होना। देखो, ईद का चांद, ईद तो रोज रोज तो नहीं आती, बहुत दिनों में आती है ना। और ईद बहुत दिनों में आएगी तो चांद भी, ईद का चांद जो होगा वो बहुत दिनों में दिखाई देगा। यानी कि ईद का चांद होने का मतलब हुआ बहुत दिनों बाद दिखाई देना, कोई चीज बहुत दिनों बाद दिखाई दे,
मान लो जैसे कि आपकी छुट्टियां होती हैं तभी आप अपने मामा के घर जाते हैं ना, तो फिर सब कहते हैं, एक छुट्टी मान लो आप नहीं गए, जैसे अभी काफी दिन हो गए होंगे लॉकडाउन के कारण, तो अब की बार गर्मियों की छुट्टियों में बहुत बच्चे मामा के घर नहीं भी गए होंगे, तो उनके मामा क्या बोलते होंगे कि तुम तो आ ही नहीं रहे, तुम तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए, है ना। जब हम किसी आदमी को बहुत दिनों में मिलते हैं, बहुत दिनों में देखते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, तू तो बिल्कुल ईद का चांद हो गया। तो इसका मतलब हुआ बहुत दिनों बाद दिखाई देना, कि बहुत दिनों बाद दिखा है। नितिन आजकल कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, यानी कि नितिन आजकल दिखाई नहीं देता, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है। तो क्या बनेगा, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नितिन आजकल तुम कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, कमर कसना। कमर कसने का मतलब होता है तैयार हो जाना, जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो आपको क्या कहते हैं, भाई अब तो कमर कस लो, जो तुमने अब तक कर लिया ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, पर अगर अभी भी नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो कमर कस लो अभी से, बिल्कुल तैयार हो जाओ पेपरों के लिए, है ना। तो आपने सुना होगा कमर कसना, और कमर कसने का मतलब हुआ तैयार होना। मैंने कक्षा में पहला स्थान पाने के लिए कमर कस ली है, मतलब कि पूरी तैयार हो गया हूं मैं, पूरी तरीके से प्रथम आने के लिए, फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए मैं तैयार हो गया हूं। तो आप में से भी कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो अब अपनी कमर कस लें, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कान पर जूना रेंगना। तो कान पर जूना रेंगना का मतलब हुआ कुछ असर ना होना, कोई फायदा ना होना। जैसे आपकी मम्मी आपको बोलती रहेंगी पढ़ ले, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो वीडियो ही नहीं देखते, जो अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर लेते हैं, है ना। तो आपकी मम्मी कहेंगी वीडियो देख के जो होमवर्क मिला है उसे कंप्लीट करो, फिर आप उनकी बात नहीं मानते तो आपको वो क्या कहती हैं, बिल्कुल तेरे तो कान पर जू नहीं रेंगती, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, बोलने का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं है, कुछ असर ना होना। राजा को कितना भी समझाओ, उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। तो राजा की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप मानते हैं तो मत लिखना, और अगर कमर कसने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, ये वाला सेंटेंस लिखेंगे। सभी सेंटेंस आपको यही लिखने हैं, बस यहाँ जो बच्चे घर वालों की बात नहीं मानते, टीचर्स की बात नहीं मानते, वो यहाँ अपना नाम लिखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना का मतलब हुआ कड़ी मेहनत करना, ठीक है ना। खून पसीना एक करना यानी कि खूब मेहनत करना। गुल ने पास होने के लिए खून पसीना एक कर दिया, ठीक है ना। तो खून पसीना करना एक करने का मतलब हुआ बहुत मेहनत करना। आपके पेरेंट्स आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, ताकि जो आपको चाहिए, जहां आपको पढ़ना हो, आपको अच्छे से अच्छे खिलौने देना, अच्छे से अच्छा खाना खिलाना, आपकी हर इच्छा पूरी कर सकें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो आपको भी उनके इस एफर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने देना, आपको भी मेहनत करनी है। तो खून पसीना एक करने का मतलब हुआ खूब मेहनत करना। तो जैसे वो अपना खून पसीना एक करें, आप अपना एक करें, ठीक है ना। आप भी पढ़ के अपने खून पसीने को एक करें, यानी कि कड़ी मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि धूप में खड़े होके और पसीना बहाना है, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, खूब मेहनत, ठीक है ना। तो खून पसीना एक करना मतलब खूब मेहनत करना। गुल ने पास होने के लिए खून पसीना एक कर दिया, तो आप भी मेहनत करेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे, घी के दिए जलाना। तो हम घी के दिए कब जलाते हैं, जब श्री राम अयोध्या वापस आते हैं 14 साल के वनवास के बाद, सीता जी और अपने भाई लक्ष्मण को लेके, है ना। तो ये हमने सोशल स्टडीज में पढ़ा था कि हम दिवाली पर घी के दिए जलाते हैं, और किस खुशी में जलाते हैं, क्योंकि
उस दिन श्री राम भगवान 14 साल के वनवास के बाद सीता माता जो उनकी पत्नी थी और उनके भाई लक्ष्मण, तो ये तीनों कहाँ आए थे, अयोध्या में, यानी कि अपने घर लौटकर वापस आए थे और इसी खुशी में सभी लोगों ने घी के दिए जलाए थे। तो खुशी हुई तभी घी के दिए जले, है ना, तो घी के दिए जलाना का मतलब हुआ खुशियां मनाना, ठीक है। तो याद रखेंगे, घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। और सेंटेंस देखेंगे, राजू के प्रथम आने पर उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। तो जब आपकी भी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन आती है या बहुत अच्छा काम करते हैं, टीचर्स आपकी प्रेज करते हैं, तो आपकी मम्मी भी खुश हो जाती है ना, तो वो क्या करती हैं, खुशियां मनाती हैं, आपको कुछ अच्छा सा खिला देती हैं बाहर से भी लाके और कुछ घर में भी आपकी पसंद का बना देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से घी के दिए जलाने का मतलब हुआ बहुत खुश होना, खुशियां मनाना, ठीक है ना। राजू के प्रथम आने पर उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। तो यहाँ तक क्या करना है आपको, 8th सेंटेंस से लेके और 15th सेंटेंस तक मुहावरा, उसका अर्थ, ठीक है ना, मुहावरा, उसका अर्थ और वाक्य, तीनों चीज लिखेंगे और साथ में लर्न भी करेंगे, ठीक है ना। लर्न करना नहीं भूलेंगे, लर्न भी करना है साथ में, ठीक है। तो ये काम रहेगा आपका कल के, आज के लिए। तो आज क्या करेंगे हम, मुहावरे कौन से, 8th से लेके और 15 तक विद सेंटेंस, सेंटेंस भी यही रहेगा, सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे अपनी मर्जी से, जो लिखा है वही लिखेंगे, ठीक है ना, जो हमें दिया है बुक में वही हम लिखेंगे भी और साथ में लर्न भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।